Hello students, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python Pandas data plane, especially related to histogram. So let's start. Students, पहले histogram को समझने से पहले हम थोड़ा bar graph को समझ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा सा यूज तो मैं आपको यूज भी बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ को बार चार्ट भी बोलते हैं. बेसिकली एक ग्राफिकल डिस्प्ले है जिसमें हम डेटा को यूज़ करते हैं डिफरेंट बार्स क्रिएट करने के लिए, और बार्स की हाइट डिफरेंट होती है. अलग अलग हाइट के डिफरेंट बार क्रिएट किए जाते हैं और डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा है फेवरेट टाइप ऑफ मूवीज़ का, और हमको ये पता लगाना है कि उसमें, या ये दिखाना है कि ज़्यादा लोग किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे हुआ तो उसमें 4 पीपल्स ने ये बताया कि भाई उन्हें कॉमेडी मूवी पसंद है, 5 ने ये बताया उन्हें एक्शन टाइप की मूवी पसंद है, 6 ने रोमांस, 1 ने ड्रामा और 1 ने स्काईफाई की टाइप की मूवी को पसंद किया. अब हम टाइप की मूवी पसंद की जाती है, उसमें कोई आपको किसी तरह की कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो देखते हैं टाइप ऑफ मूवीज का. एक तरफ हमने मूवीज़ का टाइप दे रखा है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस नंबर ऑफ पीपल्स दे रखे हमने, ठीक है? तो ये इंटरचेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. तो लेकिन डेटा से डेटा का रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगा. तो हम कहेंगे फिर वो बार चार्ट है अलोंग एक्सिस, हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो तरीके से बार चार्ट बनाए जा सकते हैं. तो अभी फ़िलहाल ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? वर्टिकल हाई चार्ट है, बार चार्ट है ये. तो मूवीज़ देखिए इसमें कौन कौन सी, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, स्काईफाई, और टॉपिक है फेवरेट टाइप ऑफ मूवीज़. तो क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि रोमांटिक मूवीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और नंबर ऑफ़ पीपल्स इसमें 6 हैं. आप बार की हाइट को मैच करेंगे तो 6 पर जहाँ नंबर ऑफ़ पीपल 6 लिखा हुआ वहाँ मैच कर रही है, तो ये पता लगाया जा सकता है. तो बार्स की फॉर्म में, डिफरेंट हाइट्स की फॉर्म में ये हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके थ्रू इजीली पता लगाया जा सकता है, डेटा को इजीली जज किया जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है. तो अलोंग एक्सिस हमें ये क्रिएट किए हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, वो एक अदर इशू है, तो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे. अब तो ये हो गया आपका बार चार्ट के बारे में. अब बात करते हैं थोड़ा हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये हिस्टोग्राम है, अभी आपको कुछ कुछ बार चार्ट की तरह दिखाई देगा, लग भी रहा है. पहले ये समझते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है. इट इज़ ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट. तो इसमें भी डेटा को ग्राफिकल डिस्प्ले किया जाता है, बार्स ही क्रिएट किए जाते हैं, और बार की हाइट भी डिफरेंट होती है. पर ये बार चार्ट से थोड़ा सा अलग है, आपको डिफरेंस शायद दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा. तो लिखा हुआ इट इज़ सिमिलर टू द बार चार्ट बट ए हिस्टोग्राम ग्रुप्स नंबर इनटू रेंजेस. तो यहाँ जो नंबर्स होते हैं इनको रेंजेस में ग्रुप कर दिया जाता है, पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं ये आपका हिस्टोग्राम के अंदर रहता है. द हाइट ऑफ ईच बार शोज हाउ मेनी फॉल्स इनटू ईच रेंज. तो हाइट इसके अंदर ये बताती है आपकी हिस्टोग्राम की कि पर्टिकुलर एक रेंज में या पर्टिकुलर इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल 100 से लेकर 110 तक कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज लाई कर रही हैं इसके अंदर. एंड यू डिसाइड वाट रेंज टू यूज़. और ये आपके ऊपर है कि आप रेंज क्या कहेंगे. हम रेंज कह सकते हैं उसे, हम इंटरवल कह सकते हैं. तो एक्चुअली इसमें इंटरवल होता है, और इंटरवल में पर्टिकुलर एक इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यू लाई कर रही है ये हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. तो होता तो बार के थ्रू ही रिप्रेजेंट है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है यहाँ हम एक पर्टिकुलर रेंज की बात करते हैं, ठीक है? और जब हम रेंज की बात करते हैं तो एक रेंज जहाँ ख़त्म होगी वहाँ से दूसरी रेंज स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कंटिन्यूस होता है. तो बार चार्ट में हमने देखा था गैप था, लेकिन इसमें गैप नहीं रहता, इसमें ये कंटिन्यूस होता है. तो बार डिफरेंट हाइट्स के कंटिन्यूस मैनर में होते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एक हिस्टोग्राम में और एक बार चार्ट में.
दोनों ही ग्राफिकल डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं डेटा को, दोनों में ही बार्स यूज़ होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है हिस्टोग्राम में इंटरवल या रेंज यूज़ की जाती है, जबकि बार चार्ट में ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए बार चार्ट बनता है। और दूसरा यह है कि ये कंटिन्यूस होता है आपका हिस्टोग्राम, जैसे इसमें दे रखा है एक ऑफ ये देखिए,
देखिए रेखा भी हुआ, हिस्टोग्राम आर अ ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डेटा सच एज वेट, हाइट, हाउ मच टाइम एसेट्रा। तो हिस्टोग्राम का कहाँ यूज़ किया जाता है? हिस्टोग्राम का यूज़ ही तभी होगा जब आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमको वेट की बात करें, हम हाइट की बात करें, टाइम की बात करें, तो वहाँ फिर हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। और अगर इसे बार चार्ट से कंपैरिजन करें तो आप देखिए इसका कंपैरिजन देख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे हैं कि बार ग्राफ में कोई गैप नहीं है, लिखा भी हुआ है नो गैप, सॉरी बार ग्राफ में गैप है और हिस्टोग्राम में लिखा हुआ नो गैप। तो हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता, बार चार्ट में गैप होता है इसमें, ठीक है। तो ये एक डेटा दे रखा है इसमें। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जब बार चार्ट ड्रॉ करते हैं हम, तो बार चार्ट पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए ड्रॉ करते हैं, और जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं वो हिस्टोग्राम एक रेंज के लिए ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम में जो आपका डेटा रहता है वो कंटिन्यूस होता है, रेंज क्योंकि रेंज होती है, तो एक जब बात करेंगे रेंज की, फॉर एग्जांपल 100 टू 150, तो नेक्स्ट रेंज 150 टू 200 होगी। तो बार कंटिन्यूस होते हैं इसके अंदर, तो उसमें बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें। बार चार्ट में गैप हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पर है डिफरेंट होता है, जैसे अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में मान लीजिए इकोनॉमी की बात करें, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 कंट्रीज़ हैं, जैसे USA, इंडिया, UK, न्यूजीलैंड, जापान है। तो इनके बीच में इनकी हाइट देखिए बात की, तो ये बता रहे हैं कि इकॉनमी के बारे में बता रहे हैं, सपोज़ अगर मान लीजिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि डिफरेंट बार के डिफरेंट बार जो हैं इसकी हाइट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो आपका, जैसे UK है तो UK के पे आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है $400, अगर सामने हम मैच कराएंगे तो $400 से UK मैच कर रहा है। मे बी ये कोई एक, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हम वैल्यूज़ लेते हैं वो पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जैसे आपको 400 मिलियन का बताना है तो आप 400 से शो करोगे सपोज, इस तरीके से तो आप बताओगे ग्राफ में कि इतने का मतलब ये है, इस हमने एक यूनिट का मतलब यहाँ पर इतना लिया है, तो इस तरीके से भी ग्राफ आपका रिप्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है, कंक्लूज़न ये है कि हिस्टोग्राम और बार चार्ट में दोनों में ही हम बार का यूज़ करते हैं, पर जब हम बार चार्ट की बात करते हैं तो वहाँ एक सिंपल बार होता है और बार के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस होती है, जबकि हिस्टोग्राम में हम पर्टिकुलर एक रेंज की बात करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज लाई करती हैं उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार वहाँ कंटिन्यूस होते हैं और बार के बीच में कोई गैप नहीं होता, तो ये डिफरेंस रहता है इसके बीच में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अभी आगे चलते हैं। क्लियरली देख लीजिए बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में डिफरेंस, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं। अभी हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, बार चार्ट को भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम बार चार्ट को ड्रॉ करेंगे जब हम डेटा विजुलाइजेशन चैप्टर को स्टडी करेंगे, तो वहाँ बार चार्ट आएगा। फिलहाल हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस यही है कि हिस्टोग्राम में हम पर्टिकुलर एक रेंज या एक इंटरवल की बात करते हैं कि एक रेंज या इंटरवल में कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं, उसको हम बार से शो करते हैं, और बार में आपका और हिस्टोग्राम में आपका डिफरेंट बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। लिखा भी हुआ है देखिए नीचे, बार चार्ट में लिखा हुआ नीचे कैटेगरीज, हिस्टोग्राम में नीचे क्या लिखा हुआ है, एलोंग एक्सिस नंबर रेंज, तो उसमें रेंज है, उसमें बार ग्राफ में कैटेगरी है, क्लियर। अब बात करते हैं आपके फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, तो ये हिस्टोग्राम का एक टाइप है। तो देखिए लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज ए स्पेशल ग्राफ दैट यूजेस वर्टिकल कॉलम टू शो फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स ईच स्कोर अकर्ड। तो जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम होता है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। देखिए एक्स एक्सिस के अलावा स्कोर और वाई एक्सिस के अलावा फ्रीक्वेंसी, तो आप इजीली देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें दिखाई दे रहा है आपका, क्लियरली पता चल रहा है इसमें कि 2 5 टाइम्स अकर हुआ है, 1 आपका 2 टाइम्स अकर हुआ है, देखिए फिर 3 आपका 4 टाइम्स अकर हुआ है, आपका रिपीट हुआ है, और 4 आपका फिर आपका ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 आपका 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बोला जाता है, जिसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। अब ऊपर देखिए आप स्कोर भी दे रखा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखा हुआ 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3, फिर लिखा हुआ है 4 4 5,
तो इसमें ऑब्वियसली इस डेटा को देख, पहले डेटा को देख समझ लीजिए, 1 2 times अपीयर हो रहा है, 2 आपका अपीयर हो रहा है, 5 times, 3 अपीयर हो रहा है, 4 times, 4 अपीयर हो रहा है 2 times, और 5 अपीयर हो रहा है ओनली 1 time। चलिए अब फाइनली अब बात आती है कि हम हिस्टोग्राम के बारे में, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो क्रिएटिंग हिस्टोग्राम हेडिंग है, हिस्टोग्राम दैट हैज़ बीन कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा सेट कंटेनिंग एज ऑफ 20 पीपल्स। तो 20 पीपल्स का डेटा है हमारे पास, ठीक है, और हम उसमें ये देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से डेटा शो हो रहा है आपका, 37, 28, 38, 44, 53, 69, 74, 53, 35, 38, 66, 46, 24, 45, 92, 48, 51, 62, 58 and 57। बिन का क्या मतलब है, पहले बिन का मतलब समझ लीजिए। हिस्टोग्राम का देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक डायग्राम दे रखा है, हिस्टोग्राम इसके लिए दे रखा है। तो हम पहले तो बिन का मतलब है इंटरवल, इंटरवल या रेंज डिसाइड करेंगे, बिन इंटरवल या रेंज एक ही बात है आपकी। तो 20 से लेकर 30 के बीच में आपकी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप अगर देखेंगे तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो 24 और एक 28, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर हम 30 से 40 के बीच में वैल्यूज़ देखेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 37, 38, 35, 38, तो ये भी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, टोटल 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4, ठीक है। ऐसे ही हम 40 से 50 के बीच में देखेंगे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, टोटल 4, कौन कौन सी, 44, 46, 45 और 48, तो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं 40 और 50 के इंटरवल के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 4। अगेन हम 50 से 60 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, 53, 53, 51, 58, 57, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5, ठीक है। पर्टिकुलर एक रेंज में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 60 से 70 के बीच में इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 3, कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 69, 66, 62। 70 से 80 के बीच में वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी ओनली 1, और 80-90 के बीच में कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम 90 to 100 देखेंगे तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू है एक, आई थिंक देयर इज़ अ सिंगल वैल्यू 90 to 100, 90 to 100, ओके 92 है, तो एक सिंगल वैल्यू आ रही है आपकी, हिस्टोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ज़रा हिस्टोग्राम को देखिए, तो 20 से लेकर 30 तक की रेंज के लिए जब हम एक बार ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2, क्योंकि वाई एक्सिस के अलावा हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही आप आगे देखेंगे, 30 से 40 के बीच में हाइट कितनी है, 4, क्योंकि ओवरऑल 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 30 से लेकर 40 तक की रेंज में फ्रीक्वेंसी 4 है आपकी। तो इसी तरीके से बार चार्ट बनेगा, और 80-90 के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम कोई बार चार्ट ड्रॉ नहीं करेंगे इसमें, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टिंग नो फ्रीक्वेंसीज, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूस डेटा सेट एज अ सच दैट देर आर नो गैप्स इन द डेटा। अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, अभी आपने जो रिप्रेजेंटेशन देखा हिस्टोग्राम का, तो उसमें आपने कहा होगा सर 80 और 90 के बीच में तो कोई बार ड्रॉ ही नहीं हुआ, तो कंटिन्यूस तो ये नहीं रहा बार। देखिए कंटिन्यूस होना एक अलग बात है, बार का होना एक अलग बात है। जब बार नहीं है उसके बीच में तो उसका मतलब है डेटा नहीं है उसके बीच में, डेटा एबसेंट है, यही लिखा हुआ। नोटिस दैट अनलाइक ए बार चार्ट, अनलाइक ए बार चार्ट देर इज़ नो गैप्स बिटवीन द बार्स, एल्दो सम बार्स माइट बी एबसेंट। तो कुछ बार एबसेंट हो सकते हैं इसमें अंदर, तो जब एबसेंट है बार तो फिर उसको तो हम शो कर ही नहीं सकते, तो वो फिर वहाँ कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाएगा। स्पेलिंग गलत है, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग नो फ्रीक्वेंसीज FRE, ठीक है, और अनलाइक ए बार BA लिखा हुआ है, बार चार्ट है वहाँ, तो नोट डाउन कर रहे हैं तो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा।
तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूस डेटा सेट एज सच देर इज नो गैप्स इन द डेटा। तो हिस्टोग्राम बेसिकली कंटिन्यूस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसमें ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक इंटरवल में डेटा या पर्टिकुलर एक रेंज में डेटा आपका एब्सेंट हो या डेटा आपको ना मिले, वो इसके लिए अलग बात है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसके लिए कोई बार चार्ट ड्रॉ नहीं होगा, पर आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर बार चार्ट ड्रॉ नहीं हुआ तो ये फिर हिस्टोग्राम नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी पर्टिकुलर रेंज के लिए बार आपके ड्रॉ किए जाते हैं, और अगर पर्टिकुलर रेंज में कोई भी आपका डेटा नहीं है तो फिर उसके लिए कोई बार ड्रॉ नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये हो गया हमारा कॉमन डिस्कशन। यहाँ मैं दो तीन बातों को समझा, और वो बातें क्या हैं, वो पहली बात तो ये है कि हिस्टोग्राम और बार चार्ट लगभग एक जैसे होते हैं। हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि बार चार्ट में हम जो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस फॉर पर्टिकुलर टाइप के लिए हम मेंशन करते हैं। जैसे हमने मूवीज़ का एग्जांपल देखा तो टाइप्स ऑफ मूवीज़ जो थी रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, स्काईफाई, ये अलोंग एक्स एक्सिस मेंशन कर रखी थी, और उसकी हाइट से हमने ये पता लगाया कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स उसको पसंद करते हैं। हिस्टोग्राम में रेंज होती है आपकी अलोंग एक्स एक्सिस, पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितनी वैल्यू लाई कर रही है ये हम हिस्टोग्राम से देखते हैं, और हिस्टोग्राम कंटिन्यूस होता है आपका, कंटिन्यूस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन यही कि हम हिस्टोग्राम को डेटा फ्रेम के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले आपको लिखना है डेटा फ्रेम, और उसके बाद आपको एक फंक्शन लिखना, फंक्शन का नाम है हिस्ट, HIST। ये फंक्शन हिस्टोग्राम क्रिएट करता है आपका। क्या नेम है फंक्शन का? हिस्ट फंक्शन। तो डेटा फ्रेम डॉट हिस्ट लिखेंगे, ठीक है, और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो होते हैं कॉलम, बाई, ग्रिड और बिन्स। बाई डिफॉल्ट जो बिन्स की वैल्यू होती है वो 10 होती है, बाकी आप सबने देखेंगे नन दे रखा है, लेकिन बिन्स का मतलब है रेंज। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स आएंगे वो 10 निकल के आएंगे, आप बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप बिन्स की वैल्यू नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट बिन्स की वैल्यू 10 आएगी। इट मीन्स 10 इंटरवल पर्टिकुलर एक डेटा फ्रेम के लिए क्रिएट हो जाएंगे। तो पहले ही ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो पहले आता है कॉलम्स। कॉलम्स आपका कोई स्ट्रिंग और सीक्वेंस हो सकता है। इफ़ पास विल बी यूज टू लिमिट डेटा टू सबसेट ऑफ कॉलम्स, अगर इसको पास किया जाता है तो डेटा को ये बेसिकली लिमिट करता है किसी कॉलम्स को सबसेट बनाने के लिए। बाय एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑप्शनल है। इफ़ पास देन यूज टू फॉर्म हिस्टोग्राम फॉर्म सेपरेट ग्रुप्स, अगर इसको पास किया जाता है तो हिस्टोग्राम बनाता है डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, सेपरेट ग्रुप्स के लिए। ग्रिड की वैल्यू बूलियन होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होगी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सिस को ग्रिड लाइन को शो करेगा। और बिन्स का मैंने बताया, बिन्स का मतलब होता है एक इंटरवल है रेंज, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 10 होती है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एक क्लास, इंटरवल या एक बकेट को रिप्रेजेंट करता है बिन्स, लिखा भी हुआ है। बिन्स आर नंबर दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल्स इनटू व्हिच यू वांट टू ग्रुप द सोर्स डेटा, दैट इज इनपुट डेटा। हिस्टोग्राम डिस्प्ले न्यूमेरिकल डेटा बाय ग्रुपिंग डेटा इनटू बिन्स ऑफ इक्वल विथ, ईच बिन इज प्लॉटेड एज अ बार हुज हाइट करस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर इन द इन दैट बिन्स। बिन्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड इंटरवल्स, क्लासेस और बकेट्स। क्लियर? तो ये फोर पैरामीटर वैल्यू हो गई, कॉलम्स, बाय, ग्रिड और बिन्स। कॉलम एक स्ट्रिंग का सीक्वेंस हो सकता है, बाय ऑप्शनल होता है, अगर इसको पास किया जाता है तो ये सेपरेट ग्रुप के लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करता है। ग्रिड बेसिकली ग्रिड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, इट मीन्स लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, और बिन्स का मतलब होता है इंटरवल। आगे चलते हैं, तो फाइनली प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब प्रोग्राम है हिस्टोग्राम का, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमको लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें टू लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सी? एक तो पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा और एक मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब का एक इंटरफेस है पाइप्लॉट, तो हमको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। इंटरफेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसको हमने इंपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है शो। जो ये शो फंक्शन होता है ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट का फंक्शन है, और इसके थ्रू जो भी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो अपीयर नहीं होगा। उसके लिए हमने मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट को इंपोर्ट किया है, उसको नेम दे दिया हमने PLT। फिर उसके बाद हमने पांडास को इंपोर्ट किया, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। तो पांडास को इंपोर्ट किया है, पांडास को PD से रीनेम कर दिया है। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट है PLT और पांडास है इस समय PD हमारे पास। तो जहाँ कहीं भी हमें पांडास लिखना होगा वहाँ PD लिखेंगे, और मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट के प्लेस पर हम PLT को लिखेंगे।
अब डेटा फ्रेम बना लेते हैं। एक डेटा फ्रेम बनाया, तो इस डेटा फ्रेम में मैंने आपका एक लेंथ और एक विथ, ठीक है, डिक्शनरी की हेल्प से बनाया है। तो डिक्शनरी को एज अ पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, एज ए डिक्शनरी को हम एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे। अब इसमें टू कीज़ हैं, एक लेंथ और एक विथ। एक हिस्टोग्राम तो लेंथ के लिए ड्रा होगा और एक उसकी विथ के लिए ड्रा होगा। अभी इसके साथ हमने एक इंडेक्स भी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इंडेक्स हो गया पिग, रैबिट, डक, चिकन, हॉर्स। अब हमको अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हम क्या काम करेंगे, हमने लिखा हिस्ट इज इक्वल टू डी एफ डॉट हिस्ट, बिन्स इज इक्वल टू थ्री। तो थ्री बिन्स ही लेंगे हम इसमें और इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो हम शो फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे पी एल टी डॉट शो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। तो डेटा फ्रेम लिया डी एफ, डेटा फ्रेम के अंदर आपने डिक्शनरी को पास किया, डिक्शनरी में कीज़ थी लेंथ और विथ, और एक पैरामीटर पास किया आपने इंडेक्स, इंडेक्स की फाइव डिफरेंट वैल्यूज थी, पिग, रैबिट, डक, चिकन और हॉर्स। फिर हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया और नंबर ऑफ बिन्स हमको थ्री चाहिए थे, तो हमने लिखा डी एफ डॉट हिस्ट बिन्स इक्वल टू थ्री, और शो फंक्शन आपको शो करेगा ग्राफ को आपके। और ये मैट प्लॉट और पाई प्लॉट का फंक्शन है, इसलिए हमने लाइब्रेरी को पहले ही ऊपर देखेंगे फर्स्ट लाइन में इंपोर्ट कर लिया था। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा आपका आंसर। ये देखिए, तो इस डेटा फ्रेम में एक लेंथ के लिए ड्रॉ हो जाएगा, एक विथ के लिए ड्रॉ हो जाएगा, देख सकते हैं आप इजीली। और थ्री बिन्स आ रहे हैं दोनों में, नंबर ऑफ बिन्स दोनों में सेम है क्योंकि बिन्स की वैल्यू हमने थ्री दी थी। और जो कलर आता है बाई डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का होता है, ब्लू होता है कलर, तो कलर देख लें आप, ब्लू कलर है यहाँ पर। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अगर क्या हम बिन्स की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा से इसी प्रोग्राम को बनाते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें हिस्ट फंक्शन में बिन्स की वैल्यू फाइव कर देंगे और कलर की वैल्यू रेड कर देंगे, ठीक है। तो हमने भी यही किया, देखिए हमने डी एफ डॉट हिस्ट लिखा है, तो याद रखिएगा कि इस डेटा फ्रेम का जितनी भी आपके कॉलम्स है सभी का एक हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर टू कॉलम्स है, एक लेंथ और एक विथ, तो एक हिस्टोग्राम लेंथ के लिए ड्रॉ होगा और एक विथ के लिए ड्रॉ होगा, और दोनों में ही नंबर ऑफ बिन्स कितने हो जाएंगे, फाइव। तो इंटरवल दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन टोटल इंटरवल या टोटल नंबर ऑफ बिन्स फाइव ही होंगे। कलर चेंज करना था तो हमने कलर पैरामीटर का यूज़ करके इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने लिखा कलर इज इक्वल टू रेड, तो अभी दोनों में दोनों का कलर रेड हो जाएगा आपका। और पी एल टी डॉट शो, तो मैंने बताया ही था कि शो करने के लिए यूज़ किया जाता है डेटा को, जो भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको देखना है। तो सेम प्रोग्राम है जो पिछली बार बनाया था, पिछली बार की तरह इस बार भी मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, पांडास को इंपोर्ट किया, डेटा फ्रेम को क्रिएट किया, इंडेक्स पैरामीटर को पास किया, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमने हिस्ट फंक्शन का यूज़ किया और उसको शो करने के लिए शो फंक्शन का यूज़ किया। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार बिन्स की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 10, याद रखिएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू बिन्स की 10 होती है हिस्टोग्राम में, और कलर की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ब्लू, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि हमने बिन्स की वैल्यू को भी मेंशन किया है और कलर की, तो इस समय हमारे पास बिन्स की जो वैल्यू है वो है 5 और कलर की वैल्यू है आपकी रेड। तो आंसर देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। चलिए ये कुछ आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से। अभी ये जो इंटरवल दिखाई दे रहा है ना आपको 2.0 2.5, इस इंटरवल में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई बार आपको इसमें इस शो नहीं हो रहा इसमें। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हिस्टोग्राम है या कि नहीं, हिस्टोग्राम है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी पर्टिकुलर एक रेंज में, तो उसके लिए कोई बार ड्रॉ नहीं होगा, वैल्यू एब्सेंट है इसमें। इसी तरीके से सेकंड में अगर हम देखेंगे विथ के लिए, तो वहाँ भी कुछ पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू एब्सेंट है, तो उसके लिए कोई बार वहाँ पर शो नहीं होगा। कलर रेड आ ही रहा है, नंबर ऑफ बिन्स फाइव है, जो एब्सेंट है उसको भी काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है तो वो काउंट नहीं होंगे, जो सिर्फ रेड कलर को आप बार्स को ही काउंट करें, टोटल बिन्स फाइव है इसमें दोनों ही केसेस में। एक बार कोड फिर से देख लीजिए, ये कोड है इसका, ठीक है। इस प्रोग्राम को क्रिएट करके देखिए, इस प्रोग्राम को बनाइए अपने, एग्जीक्यूट कीजिए और देखिए, कलर चेंज करके देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेंथ और विथ दोनों के लिए अलग अलग बिन्स हों, अलग अलग कलर्स हों? तो थोड़ा बुक में देखिए, ऐसा आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये आपका आज होमवर्क है। तो हिस्टोग्राम को ड्रॉ करें,
तो डिफरेंट बीन्स के टू हिस्टोग्राम एक ही डेटा फ्रेम में और डिफरेंट कलर के आपको ड्रॉ करना है। नहीं समझ में आता क्लास में पूछिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं इसके लिए भी आपको थोड़ा वीडियो बना दूंगा। अभी ये मैटप्लॉटलिब का है पार्ट है, डेटा फ्रेम में भी दे रखा है तो थोड़ा बताना इसलिए ज़रूरी था। जब हम इसको डेटा विजुलाइजेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।